नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरिस एसेंडेंट का जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा, आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं और इस भाव पे अगर एक नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पर कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके पांचवें भाव पे बैठे हुए हैं, केतु आपके छठवें भाव पे बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके ग्यारहवें भाव में बैठे हुए हैं और राहु आपके बारहवें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, बुध का गोचर 28 दिसंबर को हुआ था। बुध वक्री होकर के 28 दिसंबर को आपके नवम भाव से अष्टम भाव में जो गए थे वो 7 जनवरी 2024 को मार्गी हो जाएंगे और वापस आपके नवम भाव में विराजमान होंगे। वहीं सूर्य 14 जनवरी को आपके नवम भाव से दशम भाव में गोचर करेंगे और शुक्र अष्टम भाव से नवम भाव में 18 जनवरी को गोचर करेंगे। देखिए यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है, तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके ग्यारहवें भाव में बैठ करके एक दो तीन तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे डाल रहे हैं, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके पांचवें भाव पे और 8 9 10 दसवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके आठवें भाव पे। वहीं गुरु आपके लग्न पे बैठ के 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि आपके पांचवें भाव पे, 6 7 सातवीं दृष्टि आपके सातवें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि आपके नवम भाव में डाल रहे हैं। और मंगल आपके नवम भाव में बैठ के 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके बारहवें भाव पे, 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे और आठवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पे। देखिए यहाँ लग्न पे आपके गुरु विराजमान है और शनि की नीच की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। देखिए यहाँ जो गुरु विराजमान है वो आपके नवम और आपके बारहवें भाव के स्वामी है जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए यहाँ पे गुरु द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हुआ है 22 अप्रैल 2023 से और ये राजयोग आपका 30 अप्रैल 2024 तक रहेगा। देखिए यहाँ पर 22 अप्रैल से आप में धार्मिकता बढ़ा होगा और आप भाग्यशाली भी रह रहे होंगे। यहाँ पे देखिए आप अपने आप में पॉजिटिव माइंडेड भी महसूस कर रहे होंगे और आप थोड़े खर्चीले भी हुए होंगे। देखिए यहाँ पे आपके बीमारियां हो गई या फिर हॉस्पिटल हो गया, दवाइयां हो गई, इस पे आपका खर्च बढ़ा होगा। और यहाँ पे अगर आप फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं जैसे कि फॉरेन का प्रोजेक्ट उठा रहे हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं या फिर फॉरेन का जो आईटी कंपनी होता है उसका भी आप अगर प्रोजेक्ट उठा के मतलब विदेश संबंधित आप कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपका खर्चा बढ़ा होगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि शुक्र के घर में पड़ रही है और बुध की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव पे पड़ रही है। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो होता है वाणी का, कोष का, कुटुंब का होता है। तो यहाँ पे आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके अष्टम भाव में 17 जनवरी 2024 तक विराजमान है तो यहाँ पे आपको कोष की आपकी हानि होगी और आपके अचानक धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। यहाँ पे जो लोग गुप्त विद्या से संबंधित काम करते हैं उनके भी धन लाभ के योग बने हुए हैं। और जो आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र है जब आपके नवम भाव में 18 जनवरी को गोचर करेंगे तो उसके बाद आपके भाग्य से आपके धन की वृद्धि कराएंगे। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पूरे महीने पड़ रही है, सूर्य की 13 जनवरी तक पड़ रही है और बुध की 7 जनवरी से पड़ेगी आपके तीसरे भाव में दृष्टि। और यहाँ पे देखिए आपके शुक्र की भी दृष्टि आपके 18 जनवरी से पड़ रही है। देखिए यहाँ पे बुध की दृष्टि बुध के घर में ही पड़ रही है। तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। देखिए यहाँ पे 27 दिसंबर के बाद से आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसी जो होते हैं उनके नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ा होगा, उनको गुस्सा ज्यादा हो रहा होगा तो हो सकता है आपका उनसे कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाए, तो कोशिश कीजिए कि विवाद से बचें। और यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन की तबीयत 28 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच में थोड़ी बहुत बिगड़ भी सकती है पर 7 जनवरी से देखिए जब बुध जब आपके नवम भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पे देखिए बुध अपने राशि में ही दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, वो आपके लिए लकी साबित होंगे। धर्म से आपका धाड़स बढ़ेगा, काम में आपको जल्दी सक्सेस भी मिलेगा
देखिए यहाँ पे अगर आपके छोटे भाई बहन सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो 13 जनवरी तक उनके लिए अच्छा समय है, वे अगर कोशिश करेंगे तो उनका काम बनेगा। देखिए चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि भी 14 जनवरी से पड़ रही है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख का, वाहन का, माता का, घर का होता है। देखिए यहाँ पर 27 दिसंबर से आपकी माता के साथ विवाद के योग बने हुए हैं और आपकी माता से किसी बात को लेकर के आपका बहस हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए माता के साथ किसी भी विवाद से बचें। और जब चंद्रमा आपके चौथे भाव में 23 तारीख के रात में 12:47 पर विराजमान होएंगे और 27 तारीख के दोपहर 1:01 तक विराजमान रहेंगे, तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं, क्योंकि देखिए आपका जो चौथा भाव है वो कर्क का है जिसके स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको चंद्रमा द्वारा सुख की प्राप्ति होगी और आपकी माता से भी आपको सुख मिलेगा। देखिए पांचवें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी आपके पांचवें भाव में पड़ रही है। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का। देखिए यहाँ पे 3 नवंबर के बाद से जब शनि मार्गी हुए हैं उसके बाद से जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, प्रेम संबंध में भी आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा होगा, पर जब चंद्रमा 1, 2, 27 और 28 तारीख को आपके पांचवें भाव में विराजमान होंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पढ़ाई में सुख मिलेगा, प्रेम संबंध में आपको सुख की प्राप्ति होगी, जो लोग साधना करते हैं साधना में भी आपको सुख मिलेगा और माता द्वारा आपको नॉलेज की प्राप्ति भी होगी। और यहाँ पे देखिए आपके पांचवें भाव के जो स्वामी है, पांचवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 13 जनवरी तक विराजमान है। देखिए यहाँ पे जो आपके पांचवें भाव के स्वामी चूंकि आपके नवम भाव में 13 जनवरी तक विराजमान है तो ये बहुत ही शुभ योग बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो आपके संतति होते हैं वो 13 जनवरी तक आपके लिए लकी रहेंगे, प्रेम संबंध जो कि आपके प्रेमी या प्रेमिका होंगे वो भी आपके किसी न किसी तरीके से लकी रहेंगे 13 जनवरी तक। और यहाँ पे जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध में भी उनको कुछ सुधार देखने के लिए, क्योंकि जब तक यहाँ पे 13 जनवरी तक जब तक आपके यहाँ पे सूर्य विराजमान है तब तक आपको सुधार देखने मिलेगा, जो लोग साधना करते हैं साधना भी उनके लिए फलदायी रहेगी। छठवें भाव में आपके केतु विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है और आपके छठवें भाव के जो स्वामी हैं आपके, देखिए यहाँ पे 28 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी 2024 तक आपके अष्टम भाव में विराजमान है। तो देखिए यहाँ पे बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पे 28 दिसंबर से 7 जनवरी 2024 तक आप अपने शत्रु का नाश करेंगे और अगर आपको कोई छोटा मोटा रोग हुआ है तो उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। और यहाँ पे देखिए जब आपके छठवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 7 जनवरी को गोचर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके काम में सक्सेस तो लाएंगे, क्योंकि देखिए तीसरे भाव के स्वामी भी आपके नवम भाव में विराजमान है तो आपके काम में तो सक्सेस आपको मिलेगा, पर चूंकि देखिए यहाँ पे आपके शत्रु है शत्रु का भी नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है, तो यहाँ पे देखिए आपको टफ कंपटीशन का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है। सातवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके सातवें भाव पे और आपके सातवें भाव के जो स्वामी हैं आपके आठवें भाव में विराजमान है, हालांकि ये देखिए आठवें भाव में 17 जनवरी 2024 तक ही विराजमान है। तो देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके भागीदार का होता है, आपके स्पाउस का होता है। देखिए यहाँ पे जो आपकी स्पाउस है उसकी तबीयत 17 जनवरी तक थोड़ा बहुत बिगड़ सकती है और आपको आपके स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। और ये देखिए आपके जो सातवें भाव के स्वामी हैं जब आपके नवम भाव में 18 जनवरी को गोचर करेंगे तो यहाँ पे शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपको आपके स्पाउस का सुख अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 18 जनवरी से अगर आपको कोई काम में अगर आपको कोई सलाह की जरूरत पड़ रही है तो आपके स्पाउस से अगर आप सलाह लेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। और यहाँ पे देखिए 18 जनवरी के बाद हो सकता है आप अपने स्पाउस या भागीदार के साथ कोई तीर्थ यात्रा पे भी जाएं। अष्टम भाव में आपके शुक्र देखिए विराजमान है, हालांकि शुक्र देखिए 17 जनवरी तक ही विराजमान है और आपके बुध विराजमान है और बुध 6 जनवरी तक विराजमान है और देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। देखिए यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ मन मुटाव होने की संभावनाएं हैं तो उनके साथ थोड़ा संभल करके बात करें, किसी भी विवाद में ना पड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवम भाव में आपके सूर्य विराजमान है। देखिए सूर्य यहाँ पे 13 जनवरी तक विराजमान है, मंगल पूरे महीना ही आपके नवम भाव में विराजमान है,
बुध यहाँ पे आपके 7 जनवरी को गोचर कर रहे हैं और शुक्र 18 जनवरी को आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दृष्टि गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और जो आपके नवम भाव के स्वामी है जैसा कि मैंने आपको बताया आपके लग्न पे बैठ करके राजयोग का निर्माण 22 जनवरी 2023 से किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो मंगल जो विराजमान है आपके लग्न के स्वामी है और आपके अष्टम भाव के स्वामी है जो कि आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पर आप धार्मिक रहेंगे और 27 दिसंबर के बाद आपको लग रहा होगा कि बगैर नसीब आपका भाग्य नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए आप अपने लक पर विश्वास भी कर रहे होंगे और लक को मान भी रहे होंगे। देखिए 27 दिसंबर के बाद आप ये नोटिस किए होंगे कि आपको थोड़ा बहुत भाग्य में कमी आ रहा है। देखिए यहाँ पे 27 दिसंबर के बाद जैसा कि आपका पहले भाग्य जैसे आपका नसीब ज्यादा साथ दे रहा था उसमें आपको थोड़ा बहुत कमी महसूस हो रहा होगा। दशम भाव में आपके सूर्य 14 जनवरी को गोचर कर रहे हैं और आपके दशम भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। दशम भाव जो होता है वो होता है बॉस का, पिता का, काम का, ऑफिस का होता है। देखिए यहाँ पे 14 जनवरी के बाद से आप अपने काम में बहुत वर्कोहॉलिक रहेंगे और आपके बॉस और पिता के साथ आपके संबंध अच्छे भी रहेंगे। देखिए यहाँ पे 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक आप जो भी काम करेंगे उससे आपको इनकम निश्चित तौर पर मिलेगा। यहाँ पे देखिए अगर आप अपने काम को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा है, आप अपने काम को एक्सपैंड कर सकते हैं। जो भी आपका जैसे आपका इनकम जो आ रहा है वो इनकम को अगर आप स्पेंड करके या फिर आप अपने इनकम को इन्वेस्ट कर करके अगर आप अपना काम में एक्सपेंशन चाह रहे हैं तो ये पीरियड आपके लिए फेवरेबल रहेगा। पहचान वालों द्वारा आपको काम मिलेगा और कम्युनिकेशन से भी आपको अच्छा फायदा होगा। 11वें भाव में आपके शनि विराजमान है और यहाँ देखिए शनि अपने राशि में ही विराजमान है। देखिए जो आपके 11वें भाव में शनि विराजमान है वो 17 जनवरी 2023 से आपके 11वें भाव में गोचर किए थे और 29 मार्च 2025 तक आपके 11वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। देखिए यहाँ पे शनि द्वारा आपके पत्रिका में बहुत ही शुभ योग का निर्माण हुआ हुआ है। देखिए हो सकता है कि आपके पहचान वाले आपको इस पीरियड में काम दिलाए जिससे कि आपको धन लाभ होए, आपके मित्र द्वारा भी आपको काम मिलने की संभावनाएं हैं जिससे कि आपको धन लाभ होए। और यहाँ पर आप अपने काम में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के जो स्वामी हैं आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्च का, हॉस्पिटल का, जेल का, फॉरेन का होता है। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि आप 22 अप्रैल से कुछ ज्यादा ही खर्चीले रह रहे होंगे। आपका खर्च हॉस्पिटल, दवाइयों या फिर आपके बीमारियों पे आपका खर्च हो रहा होगा। जो लोग फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया या फिर फॉरेन ट्रेड हो गया या फिर आपका फॉरेन के प्रोजेक्ट्स उठा करके काम कर रहे हैं तो आपके उस काम पे आपका खर्च हो रहा होगा। और यहाँ पे देखिए जब राहु आपके 30 अक्टूबर को गोचर किए हैं उसके बाद से आप खर्च कम करने की कोशिश कर रहे होंगे और खुद से काम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स होते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी इस डेट को कंसिडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं जनवरी में 1-2 तारीख, 4-7 तारीख, 10-14 तारीख, 17-19 तारीख, 24-28 तारीख। देखिए बैड डेट्स में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी आप अवॉइड कीजिए, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो भी आप इस डेट्स को अवॉइड कीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 20-22 तारीख, 29-31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में देखिए आपके जो नवम भाव है वो गुरु का है तो ऐसे भी मेष लग्न वालों को रेगुलर बेसिस पे साई मंदिर जाना चाहिए, दत्त मंदिर जाना चाहिए, उनको अच्छा फायदा होगा। तो रेगुलर बेसिस साई मंदिर और दत्त मंदिर का अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आपको अच्छा फायदा होगा। और अभी तो फिलहाल आपके देखिए जो आपके नवम भाव के स्वामी आपके लग्न पे हैं तो आप नियम पूर्वक साई मंदिर या फिर दत्त मंदिर जाएं, सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आपको अच्छा लाभ अभी होगा, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।